आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शमशी फिरदौस और आप देख रहे हैं वक्त टीवी। रोटरी क्लब नवादा के सौजन्य से नगर के स्टेशन रोड स्थित होटल शिवम रेसिडेंसी में ऑक्सीजन व कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत की गई। रोटरियन आरपी साहू व डॉक्टर मनोज कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। अब नवादा के मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने पर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ऑक्सीजन से संबंधित होने वाली समस्या का समाधान किया जाएगा। रोटरियन आरपी साहू ने बताया कि रोटरी क्लब नवादा का ये कार्य काफ़ी सराहनीय है। रोटरी क्लब की ओर से बहुत जल्द एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी, जो लोगों को सुलभता से सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष रोटरी क्लब द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कार्य होना है। ज़िले भर में पीपल, बरगद, महोगनी, आम, शीशम समेत अन्य 25,000 पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर 500 पौधा लगाया गया है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष नित्यानंद चौरसिया एवं सचिव श्याम अग्रवाल ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये सदस्यों के सामूहिक प्रयास से ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई है। रोटरी क्लब आने वाले दिनों में नवादा के लिए एक बेहतर प्रयास करेगी, जिससे आम लोगों को सहूलियत होगा। रोटरियन बंधुओं ने कहा कि ऑक्सीजन बैंक होटल शिवम रेसिडेंसी में शुरू किया गया है। इस मौके पर रोटरियन वजीर प्रसाद, मनोज कुमार, सुनील कुमार, डॉक्टर केपी सिंह, नवीन कुमार सिन्हा छवि, केपी मघिया, शशि भूषण, मुनारी मनोहर, राजेश्वर प्रसाद, राजेश, पंकज झुंझुनवाला, चेतन सुसारिया, सुमित अग्रवाल, अनिल भगत, पीयूष कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज रोटरी क्लब नवादा की ओर से ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन किया गया। नवादा को ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो, ऑक्सीजन सिलेंडर, इसलिए हम लोग ने आज यह व्यवस्था किया है। रोटरी क्लब नवादा के सदस्यों के सहयोग से यह व्यवस्था की गई है। इसमें कुछ प्रावधान हैं, हमारे जितने रोटेरियंस हैं उनके रिकमेंडेशन से गरीब व्यक्ति को फ्री में दिया जाएगा, सिर्फ उनका जो ऑक्सीजन का चार्ज और एसेसरीज का चार्ज वो रहेगा, और जो रोटेरियन से संपर्क में नहीं रहेंगे उनको सिलेंडर का चार्ज 10,000 रुपये जमा करना होगा, तब वो ले आ सकेंगे सिक्योरिटी मनी के रूप में। 5 दिन का ये लाभ है, 5 दिन से ज़्यादा करेंगे वो तो उनका एक्स्ट्रा 100 रुपये पर डे के हिसाब से एक तरह से फाइन लगेगा, ताकि वो नेसेसरी वो अपने घर में ना रखे रह जाए, इसलिए ताकि दूसरे को अगले को देना मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमारे पास 100-200 सिलेंडर है, 10 सिलेंडर अभी आया है और ज़रूरत पड़ेगी तो और आएगा। 2 कंसंट्रेटर भी है जिनको अति आवश्यक है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, उनके लिए 2 कंसंट्रेटर भी हमने मंगाया है, ज़रूरत पड़ेगी तो और मंगाया जाएगा। इसलिए अपने रोटेरियस बंधु का बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इसको अपने देख रेख में शुरू कराया है। खास करके श्याम अग्रवाल जी, नित्यानंद जी के पहल पर ये काम स्टार्ट हुआ है और हमारे सारे रोटेरियस ने दिल से सहयोग किए हैं, ये कार्यक्रम का आज शुरुआत किया गया है।